क्या आपने कभी यूनिकॉर्न ट्री देखा है? मुझे पता है नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, इसलिए आज हम इसे ड्रॉ करके देख लेंगे। अभी तो मुझे भी नहीं पता कैसा दिखेगा, इसलिए हम ट्री को भी कुछ यूनिक तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि वो खराब भी हो जाए तो हमारा ट्री अच्छा लगे। हम अपने ट्री को ब्राउन या ब्लैक कलर नहीं करेंगे, पूरा ग्रीन कलर करेंगे, तो हमारा ट्री भी यूनिक लगेगा। शायद आप इसे अपने वॉल पे लगाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। लगा लेना, मैंने बोला है ना, अच्छा ही लगेगा। और ये क्या, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे लग रहा है आपने बना के रखा है, जबकि आपने तो बनाया ही नहीं है। अगर सही बोला है तो बना लेना, और सबसे खतरनाक, अगर आप स्कूल में हो तो अपने स्कूल लेके चले जाना। और सबसे इजी, ये दो ग्रीन कलर सब कलर में आते हैं। ये देखो इरेजर से बना हुआ यूनिकॉर्न, इसी को चिपकाएंगे। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या हो गया? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमारा ट्री यूनिकॉर्न वाला हुआ या फिर इरेजर वाला? अब तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इन सब चीजों को बनाने से पहले 10 बार सोचता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे ट्री में इरेजर हुआ है, तोड़ोगे नहीं तोड़ लो। चलो, डे में ये कुछ ऐसा दिखता है और नाइट में कुछ ऐसा दिखता है। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बता देना। चलो बाय।